सो गाइज वेलकम अगेन। और आज है गोवा का डे 4 और आज है रिटर्न जर्नी गोवा से पुणे की। और टाइम हो गया है 10, थोड़ा हो गए हैं लेट। अब वही अनुष्का घाट होते हुए जाएंगे, अनुष्करा घाट होती है सॉरी। और देखते हैं अभी कहाँ से हाईवे मतलब छोड़ते हैं और फिर टर्न लेते हैं। राजापुर भी है वैसे तो अभी मन में, पर अब गूगल मैप क्या भटकाता है क्या होता है देखते हैं। बॉर्डर का जब भी बाहर निकलते हैं आरटी चेकिंग पॉइंट होगा, दे विल चेक द बार देन टर्न राइट ऑनटू मेन रोड। तो गाइस राजापुर पहुंचे हैं अभी, अभी नेशनल हाईवे 66 पे ही थे गोवा से जब से चले हैं, तो यहाँ तक तो एकदम परफेक्ट रोड था। हालांकि गूगल मैप में 20 किलोमीटर पहले ही राइट टर्न बता रहा था, पर आई गेस ये वो वाला रूट था जिससे हम लोग आए थे, तो वो थोड़ा ठीक। टेक द नेक्स्ट लेफ्ट ऑनटू राजापुर सर्विस रोड। सो इस बार इन 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट टुवर्ड राजापुर सर्विस रोड। तो इस बार राजापुर का रूट लिया है, राजापुर तक तो आ गए। अब यहाँ से देखते हैं कैसा है ये वाला रूट। पांचल निकलते हैं कि सीधे अनुष्करा घाट निकलते हैं, तो लेट्स सी कैसा है ये वाला रूट जो है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग यहाँ जरूर सबको होता है, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको पूरा दिखाऊँ रोड कंडीशन टर्निंग जो भी है ना, वो भी तो सीधे ही है बताता हूँ। एक्चुअली हम लोग यू टर्न ले रहे हैं क्योंकि जैसे ही गूगल मैप सीधा बता रहा था लेकिन रोड ब्लॉक है वहाँ से। तो जैसे ही राजापुर आप पहुंचते हैं तो आपको ब्रिज से एक्चुअली राइट लेना है। अभी हम लोग आगे आ गए हैं इसलिए थोड़ा यू टर्न लेके अब लेफ्ट लेंगे यहाँ से ये। और अभी हमने लोकल किसी से पूछा भी तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ से अभी हमने ये लेफ्ट लिया, अब यहाँ से सीधा अराउंड 10-11 किलोमीटर बोला उन्होंने। तो यहाँ से 10-11 किलोमीटर सीधा है और उसके बाद फिर टर्न आएगा, तब हम अंदर पांचल और अनुष्करा घाट के लिए टर्न लेंगे। तो एक बार आपको यहाँ से बता देता हूँ, आपको याद रहेगा कभी आना हो तो। यहाँ से ये ब्रिज है, एक्चुअली ब्रिज के लेफ्ट साइड में ना रोड ब्लॉक, नहीं तो वहाँ से भी जा सकते थे, वो गूगल मैप तो वहीं से दिखा रहा था, लेकिन लेफ्ट साइड में आगे साइड पे रोड ब्लॉक है, इसलिए हम लोग ब्रिज से अंदर होके और फिर लेफ्ट टर्न लिए। हाँ यहाँ पे ये फिर से ये रोड कनेक्टेड है, पता नहीं ब्रिज क्यों ब्लॉक। हाँ ये देख ब्रिज यहाँ पे ब्लॉक है, मतलब जाने वालों के लिए ब्लॉक है, आने वालों के लिए नहीं। यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस करना भी रिस्की है, देख के करना पड़ेगा। नहीं गाड़ियाँ तो आ रही हैं। अच्छा हाँ, गलती ये भी है कि हम लोग ब्रिज के ना नीचे से ही हो गए थे, टेक्निकली हम लोग को ब्रिज के ऊपर से ही आ सकते थे। हाउएवर ये वाला रूट लेफ्ट साइड का रूट जो है वो ब्लॉक है, एनी वे डाइवर्जन दिया हुआ है। हाँ तो अभी यहाँ से 10 किलोमीटर और सीधा ही चल रहा है मतलब राजापुर से, आगे देखते हैं। सो हम लोग अभी ऊनी आ गए हैं, तो अभी यहाँ से लेफ्ट मतलब ऑब्वियसली यहाँ से ये नेशनल हाईवे 66 छोड़ के और नीचे से सैतर राइट लेंगे अनुष्करा के लिए। तो देखते हैं आगे का रास्ता और रास्ता कैसे है, रोड कैसी कंडीशन। यहाँ से दिखा रहा है अभी मतलब एग्जिट करेंगे इस हाईवे से, अब ये इस जगह का नाम है लोनी। अब आफ्टर 500 मीटर के बाद ब्रिज से अंदर से राइट लेंगे टूवर्ड अनुष्करा घाट। ऑलमोस्ट 150 अराउंड गोवा से हम लोग गोवा है भी कवर किए हुए। Yes.
बाद पचल है आई गेस, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर। हाँ तो यहाँ से सीधा हमको 37 किलोमीटर दिखा रहे हैं तो रोड कंडीशन ये आप अभी देख सकते हैं, फिलहाल तो ठीक है। अब आगे जाके अगर रोड खराब होती है या कुछ ऐसी चीज होती है जो मुझे दिखाना चाहिए तो मैं दिखाता हूँ, फिलहाल फिलहाल तो ठीक ठाक है, रोड कंडीशन इज स्टिल गुड फॉर द पांच। और लूनी सही है, अभी बस 2 किलोमीटर अंदर आए। हाँ बीच बीच में ये है कि ब्रेकर है और सिंगल रोड है और थोड़ा बहुत तो ये वैसे भी स्ट्रेट रोड तो है ही नहीं, घाट वाट है तो स्लो धीरे धीरे चलना पड़ता है, पर मेन वही फर्क पड़ता है कि रोड की कंडीशन ठीक होनी चाहिए। यहाँ से रोड थोड़ा ख़राब लग रही है, इतना लंबा पैच है ख़राब रास्ते का पता नहीं, फिलहाल तो रोड अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो ख़राब रास्ते का पैच थोड़ा ही सही था, ज़्यादा नहीं था। अब रोड ठीक है, पर ये है कि टर्निंग घाट है, टर्निंग है, ये सब है तो धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। अभी रोड थोड़ा ख़राब है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, टर्निंग बहुत है और एकदम प्लेन रोड नहीं है, पर ठीक है, कोई मतलब दिक्कत वाली कोई बात नहीं। अब यहाँ से अनुस्करा है, अनुस्करा चलते हैं, अनुस्करा घाट पूरा घाट चढ़ाइए फिर देखते हैं। अनुस्करा भी 12 किलोमीटर है सुबह, स्टार्ट है ऊपर चढ़ाई और ऊपर जाना है, वहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं। गाड़ियाँ आ रही ना वहीं ऊपर जाना है, सबसे ऊपर टॉप वो ऊपर की है। हाँ अरे और ऊपर वो सब ऊपर गाड़ी जा रही है।
फ्रेंड्स फाइनली कराड़ आ गया है और ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए हम लोग को गोवा से निकले हुए। अब यहाँ से सतारा होते हुए, सतारा यहाँ से 56 और टेक द नेक्स्ट लेफ्ट ऑन टू कनेक्टिंग रोड काले पिछवाड़ा रोड, उसके बाद 120 किलोमीटर सतारा के बाद है पुणे, तो अराउंड 170 है पुणे यहाँ से। अब यहाँ से लेंगे लेफ्ट 300 मीटर्स टर्न राइट ऑन टू कनेक्टिंग रोड। अब यही अपना बैंगलोर पुणे मुंबई जो हाईवे है वहाँ से आगे का डिस्टेंस कवर करेंगे, पहले सतारा। तो आ गए हैं अब NH-48 पे। अब इसी हाईवे से पूरा पुणे तक इसी में कंटिन्यू करना है। सतारा पहुंच गए अभी और अब यहाँ से 120 है पुणे और रोड तो अच्छी है और अभी तक कुछ ट्रैफिक मिला नहीं है और देखते हैं, शायद आगे भी ना मिले तो ठीक है। टाइम हो गया 6 बज गए तो ऑलमोस्ट 7 घंटे तो हो ही गए हम लोग को गोवा से निकले हुए और अभी भी यहाँ से 2 घंटे तो घर पहुँचने में कम से कम लग ही जाएंगे, 2 घंटे पुणे पहुँचने में लग ही जाएंगे। गाइज अराउंड 9:30 हो गए और अभी घर पहुँचे हैं, तो ऑलमोस्ट 11 बजे से 10-10.5 घंटे हम लोग को लग गए गोवा से पुणे आने में, ट्रैफिक कहीं नहीं निकला। एंड ओवरऑल अगर रोड की कंडीशन की बात करूँ तो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओनी से राजापुर के आगे जब ओनी पड़ता है जहाँ से आप हाईवे छोड़ते हैं वहाँ से लेके और पाचल तक का जो रोड है वो थोड़ा बहुत ख़राब है, बाकी पूरी रोड अच्छी है। हालांकि अनुस्करा घाट के आगे तक मलकापुर तक आई गेस टर्निंग्स बहुत हैं तो स्पीड आपकी स्लो रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट रोड का इशू नहीं है और कंपेयर करें अगर अम्बोली घाट वाला जो रूट है तो वहाँ से मुझे ये रूट तो ठीक लगा, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है और रोड कंडीशन अच्छी है। बस घाट का है जो एरिया वो 50-60 किलोमीटर वो आपको स्लो स्पीड में चलना पड़ता है, बाकी सब ठीक है। सो ये था हमारा गोवा का Day 4 का ब्लॉग और इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे। अगर आपको कोई क्वेरी है रूट को लेके या कोई और भी तो आप कमेंट कर सकते हैं और जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।